फिर से वाटर आ गया। भाई ये क्या है? तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं वन ब्लॉक लेकिन गाइस आज की वीडियो में ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज पिछली वीडियो में देखा होगा गाइस हम लोगों ने केवल अपना एक घर का स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन गाइस आज हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखो फार्म अपना कितना यार मैंने बनाया था पिछली बार, और गाइस देखो इसमें सारी अपनी फसल बड़ी हो गई है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी मुझसे, ये देखो गाइस मैंने ये पम्पकिन फार्म मेलन फार्म बनाया तो है, लेकिन गाइस ये किनारे वाले पम्पकिन तो ग्रो होंगे और बीच वाले पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि किनारे रखता है ना ये, तो गाइस ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो अभी मेरे को ये पूरा फार्म हटाना पड़ेगा। चलो गाइस पहले इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं फटाक से, और इसको भी मैं हटा के लगता है नया बनाऊंगा। और देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो बैम्बू लगाए थे वो भी पूरी तरह से ग्रो हो गए हैं। चलो गाइस इसको फटाक से मैं हटा देता हूँ। चलो गाइस फाइनल मैंने कलेक्ट भी कर लिया और लगा भी दिया है। गाइस देखो यहाँ पम्पकिन तो बड़े हो गए, अभी मेरे को नीचे चल के जल्दी से थोड़ी माइनिंग करनी होगी, क्योंकि गाइस मेरे पास ज़्यादा ब्लॉक भी नहीं है ना और ज़्यादा टूल भी नहीं है। चलो फटाक से गाइस माइनिंग कर लेता हूँ। और यार ये वाटर वाली लेवल पता नहीं जाती क्यों नहीं, बार बार मुझसे गलती हो जाती है। अरे यार देखो फिर से लैग कर गया। अरे यार पता नहीं होता क्या है, अभी जब मैं ब्लॉक लगाऊंगा तब से ही होगा। भाई डॉल्फिन कहाँ से आ गई? डॉल्फिन आ गई। एक मिनट इसको पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी, आउट हो जाएगी, मर जाएगी बेचारी। एक मिनट यहाँ से पानी हटा देता हूँ, हाँ तो आराम से ये रह लेगी। अरे यार नीचे गिर जाएगी भाई, नीचे गिर जाएगी यार, ये तो पागल है क्या? अरे यार नीचे गिर गई, गई। ले बेटा मैंने यार धक्का भी नहीं दिया, अपने आप गिर गई। चलो गाइस कोई नहीं, अब जल्दी से यहाँ से वाटर हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा तो वहाँ पे ब्लॉक लगाऊंगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो जो आगे ब्लॉक है ना उनको भी हटाना है मेरे को, लेकिन गाइस अभी मैं हटा नहीं सकता। फिर से वाटर आ गया। ओ भाई ये क्या है? अरे यार ये तो माइनिंग वाला पोर्शन दे देती है, जिससे गाइस मैं थोड़ी देर तक माइनिंग नहीं कर पाऊंगा, 5 मिनट तक। अरे यार चलो गाइस कोई नहीं, मेरे पास अभी अपने घर बनाने के लिए स्टोन मैं नीचे से ले ही आया हूँ ना। जो गाइस ये नीचे गिरा चुकी है पिछली बार, 1-2-3 बार गिरा चुकी है, क्योंकि वाटर वाली लेवल ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो गाइस माइनिंग पोर्शन दे दिया इसने। चलो गाइस उससे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइस मेरे पास काफ़ी सारे ब्रिक्स हैं, तो अभी मैं फटाक से अपना थोड़ा सा महल को बना लेता हूँ ना। चलो गाइस यहाँ पे मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर बना लिया था, पिलर विलर खड़े कर लिए हैं। चलो गाइस फटाक से बना लेता हूँ अपना घर। अभी मैं डर्ट वाली लाइन तो हटाऊंगा नहीं, क्योंकि गाइस इससे मेरे को याद रहेगा ना कि कौन से स्ट्रक्चर बनाया था हमने। और गाइस ये मैंने किनारे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है, यहाँ पे हम लोग अपना कुछ अपना ऐसे ही बना सकते हैं, कार पार्किंग या कुछ भी पेड़ वेड़ लगा देंगे तो सही लगेगा। फाइनली गाइस अपनी मैंने पूरी एक दीवार पीछे की बना ली है, लेकिन गाइस अभी मैं इसको पूरा ऊपर से कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऊपर से कवर कर दिया तो उसमें ढेर सारे मॉब स्पॉन होने लगेंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं ऊपर से तो कवर नहीं करूंगा, अभी किनारे की दीवार भी बनानी पड़ेगी और मेरे पास ब्लॉक हो गए ख़त्म। और गाइस पता नहीं अभी तक वो नीचे माइनिंग वो पोशन देने वाली पता नहीं गई होगी, पता नहीं उसका क्या नाम है। अगर तुम लोग को पता चल जाए कमेंट करना। यार ये मेलन अभी ग्रो हो भी नहीं रहा देखो ढंग से, तो अभी मेरे को लग रहा है इसको हटाना पड़ेगा हम लोग को। और देखो गाइस अभी चलो हम लोग फटाक से नीचे चलते हैं, क्योंकि यार नीचे भी हम लोग को अभी ब्लॉक लेके और आने पड़ेंगे, जो ब्रिक्स थी ना उसको लेके आने पड़ेगी। गाइस देखो सामने बैम्बू है, कितने बड़े हो गए हैं, लगता है मेरे को उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अपने जो जानवर हैं ना वो सब ट्रैप हो जाते हैं, बहुत अजीब लगता है। गाइस देखो यहाँ पे अभी मेरे 2-3 पेड़ बड़े हो गए हैं, 3 पेड़ हाँ 3 ही लगाए थे यार मैंने, भूल गया था मैं। एक मिनट यहाँ पे देखो फिर से एक शीप ट्रैप हो गई, एक शीप आ रही यार, 2 शीप ट्रैप हैं, तो इनको जल्दी से हटाना पड़ेगा। और ये सारे पेड़ भी अपने कलेक्ट करने पड़ेंगे, और ढंग से इस बार मैं ढंग से लगाऊँ। चलो पहले इन बैम्बू को सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो गाइस फाइनली मैंने सारे बैम्बू तोड़ दिए हैं, और गाइस अभी तो फिर से ग्रो भी होने लगे हैं। चलो अभी मेरी सारी इन्वेंट्री भर गई है, तो फटक से मैं अभी इसको चेस्ट में पलट के आता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है ना। अरे यार मेरे को नए 2 चेस्ट बनाने पड़ेंगे, अभी ये बन गए अपने 2 चेस्ट। अरे यार बिल्कुल इन्वेंट्री में बिल्कुल भी जगह नहीं है यार, इस बैम्बू को यहाँ से जल्दी से हम लोग रख देते हैं। अरे यार ये आ गया। और ये वाटर वाली लेवल पता नहीं गाइस कब ख़त्म होगी, ये वोट ले ली। चलो इसमें अब जल्दी से हम लोग अपने बैम्बू कलेक्ट कर देते हैं, 1-2-3-4-5 भाई देखो इतने सारे बैम्बू हो गए हैं अपने पास। चलो गाइस फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे अब अभी यार एक मिनट नीचे गिर जाता, अभी मेरे को यहाँ से पूरा बंद करना पड़ेगा। अरे यार ये शीप यहाँ से हट क्यों नहीं रही है गाइस, ये शीप यहाँ से जा क्यों नहीं रही पता नहीं। चलो गाइस यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा से पूरे कलेक्ट कर लिए हैं। चलो अब जल्दी से हम लोग अपनी वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस वुड भी हम लोग को अभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास वुड भी ज़्यादा है नहीं, केवल 22 ब्लॉक हैं।
चलो वुड भी कलेक्ट कर ली, पत्तियाँ तो अपने आप ही गिर जाती हैं इसकी। चलो गाइस अब हम लोग फटाक से चलते हैं ऊपर शुगर केन लेके। तो गाइस अगर ऊपर हम लोग शुगर फेम का फार्म बना पाएंगे तो उसको भी बना लेंगे और ये ब्रेड खा लेते हैं। बिल्कुल तभी मैं तो कहूँ यार इतनी धीरे क्यों चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल जान ही नहीं है यार। देखो गाइस अभी मेरे को जल्दी से ये हटाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं पम्पकिन का फार्म बना लूँगा। चलो गाइस अब इस बार बिल्कुल ढंग से बनाऊँगा। अरे यार एक मिनट गलती हो गई। चलो गाइस फाइनली मैंने पम्पकिन और ये सारे ग्रो कर दिए हैं। देखो यार यहाँ पे क्रीपर फट गया गाइस, मैं तुम लोग को दिखा नहीं पाया लेकिन गाइस देखो यहाँ पे क्रीपर फट गया है और यहाँ पे दो तीन जानवर भी गिर चुके हैं, आधी ब्लॉक में टूट गए। लेकिन गाइस अभी मेरे को फटाक से इसको कवर करना पड़ेगा। ओ भाई ये बचा नीचे गिर जाता अभी मैं। देखो गाइस ऐसे मैं एक बार गिर चुका हूँ, एक मिनट अभी इसको पूरा हटाना पड़ेगा। चलो पहले हम लोग ये पम्पकिन का फार्म हटा देते हैं क्योंकि इसको भी हम लोग दोबारा बनाना ही है ना। चलो इसको पहले गाइस मैं हटा देता हूँ पूरा। अरे यार ये काफ़ी सारा तो पानी में नीचे चला जा रहा है। चलो गाइस उससे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग दोबारा से बना लेंगे। लेकिन गाइस हम लोग नीचे लग रहे हैं ना, अगर हम लोग नीचे गिर गए तो पूरी इन्वेंट्री चली जाएगी। ये हो गए कलेक्ट। चलो गाइस इसको भी मैं दोबारा बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो गई ना, इस पानी को भी जल्दी से बंद कर देते हैं हम लोग। वो गाइस रात भी होने वाली है यार, मेरा बेड तो मेरे पास है ही नहीं, और जो होगा तो अगर नहीं मेरे पास बेड है ही नहीं, मैंने शीप को मारा ही नहीं था। फाइनली गाइस मैंने देखो पूरा ऐसे फार्म बना दिया है। गाइस मैंने वीट का फार्म अभी नहीं बनाया क्योंकि गाइस कितना मस्त लग रहा है आपका, कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है ना। कोई आइडिया हो तुम लोगों के पास तो जल्दी से कमेंट में बता देना, मैं कोई नया आइडिया तरीके से बना लूँगा। भाई ये पता नहीं कहाँ से स्पॉन हुई, मर यार ये पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो जाते हैं फालतू के लोग, मर। अरे यार ये तो बिल्कुल डैमेज देती आ रही है। चलो गाइस बचा, अभी अब पता नहीं इसने पोशन दे दिया, कितनी देर तक चलेगा भाई कुछ भी पता नहीं है। चलो गाइस वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये पोशन पता नहीं कब खत्म होगा गाइस। अभी मैंने इस साइड तो कुछ बनाया नहीं क्योंकि इस साइड मैं पार्क बनाऊंगा गाइस। 45 सेकंड तक चलेगा। चलो गाइस कोई नहीं, जब तक हम लोग थोड़ा नीचे घूम के आते हैं। गाइस ये जीने है ना, जीने के किनारे भी मेरे को कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं नीचे गिर गया ना। गाइस पूरा हाफ हार्ट बचा है जिससे कि गाइस सब ब्लॉक हो। चलो अब सो जाते हैं। तो फाइनली गाइस सुबह भी हो गई है। चलो गाइस फटाक से ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के हम लोग अपना थोड़ा सा घर बना लेते हैं। एक मिनट गाइस, पागल हो गया हूँ मैं नीचे से ब्रेक लाना तो भूल ही गया यार। चलो कोई नहीं। अरे यार ये ज़ॉम्बी का बच्चा कहाँ से आ गया? ओ भाई गया। यार ये तो बहुत तेज मारता है। एक मिनट इसको धूप में लेके आना पड़ेगा। ये पता नहीं क्रीपर कहाँ से आ गया, अभी तो था नहीं। एक मिनट इसको मारना पड़ेगा। आजा बेटा आजा। अरे यार ये क्या तो घूम के आ गया, स्मार्ट है क्या? मर। एक मिनट गाइस पीछे आके। ओ मर। अरे मर। मैं ये तो गाना बन गया मर। ओ गाइस एक मिनट यहाँ पे मैंने एक चेस्ट लगा दिया। लेकिन गाइस ये पम्पकिन मेरे को नीचे जगह बनानी पड़ेगी, इसके ऊपर पार्क वर्क करके जाना पड़ रहा है मेरे को। यार देखो मैंने इसमें चलो थोड़ा सा और लगा देते क्योंकि गाइस मेरे पास थोड़े और सीड आ गए हैं। क्योंकि गाइस मैंने पिछली बार जो वीट कलेक्ट की थी नीचे मैंने चेस्ट में रख दिए थे ना थोड़े से सीड। चलो गाइस इसको भी जल्दी फटाक से ग्रो कर देता हूँ। बस मैं पानी यहाँ तक आ नहीं रहा है तो बीच वाली लाइन में मेरे को लगता है पानी डालना पड़ेगा क्योंकि केवल 4-4 ब्लॉक तक पानी जाता है। चलो गाइस फाइनली मैंने जैसे उसमें किया था ना वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ क्योंकि गाइस पूरे में वाटर मिले ना। गाइस देखो काफ़ी मस्त है, एक बकेट मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ जिसमें कि हर जगह पानी जाए। गाइस अब तो काफ़ी मस्त लग रहा है ना, देखो गाइस अब हर जगह पानी जाएगा। लेकिन यार चार ब्लॉक तक जाएगा ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलो गाइस अभी देखते हैं गाइस क्या करेंगे, अगर कोई जुगाड़ होगा तो करेंगे। मैं सोचा हूँ कि हम लोग कोई ऑटोमेटिक वाला फार्म होता उसको बनाएं। ये तो है बहुत अजीब सा है, बार बार कलेक्ट करो बार बार तोड़ो, और यहाँ पे जगह भी नहीं है यार। ये गेट पूरा ख़राब कर दिया है इन लोगों ने, तो अभी मेरे को पूरा पार्क वर्क की तरह जाना पड़ रहा है। चलो अब जल्दी से इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ फटक से। तो फाइनली गाइस मैंने सारे के सारे अपने मेलन कलेक्ट कर लिए। देखो गाइस अपने वर्ल्ड में वेनोल पुलिस भी आ गया है। तो गाइस अगर तुम लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगली बार ना हम लोग अपना एक ऑटोमेटिक वाला फार्म बनाएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।